आपने डांसेस तो बहुत देखे होंगे लेकिन पार्कोर नहीं देखा होगा, और आज हमारे ये डांसिंग स्टार्स लेकर आ रहे हैं पार्कोर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। पेश है फिरोज की फौज से कोलकाता के क्रम्पा बिकी दास, जोरदार ताला आ जाए। Fantastic performance, come on guys, zor da taaliyan ho jaye Vicky Das ke liye. Ab master se poochte hain, sabse pehle master Shruti. Vicky Das has performed this parkour sequence. Inhone ye parkour sequence one take में परफॉर्म किया है. सो फॉर मी यहां पे आके मुझे बोलना बहुत जरूरी है कि फॉर मी दिस परफॉर्मेंस इज अ झुम्बारी जिरी जिरी जान झटा. थैंक यू मैम. सुपर सुपर सुपर. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. मुझे आपके सारे कॉम्बिनेशंस अच्छे लगे जो आपने पार्कोर और बीबॉइंग के साथ इनकॉर्पोरेट किए. सबसे पहले आपके रोल्स मुझे बहुत अच्छे लगे, फिर कैट्स एंड प्रिसेशन जो आप एक वॉल से दूसरे वॉल पे के एज पे खड़े हो जाते हैं, कैट्स एंड प्रिसेशन कहते हैं उसे, वो बहुत स्ट्रांग है आपका, क्योंकि आपका आपका एम एक ही रहता है कि मैं यहां वहां बैलेंस नहीं आउट हूं. और एक वॉल पे से बैक समर मारा आपने जो कि नीचे था मगर बड़ी हाइट थी. आई लव्ड योर परफॉर्मेंस एंड ये बात सच है कि ये आप ही कर सकते हो विकी. Thank you. So you are boom fire. Thank you so much, Master Madhav sir. Master Feroz. Vicky ने जैसे सर्कस एक्ट किया था तो इसका दिमाग और खुल गया था कि नहीं मुझे अभी कुछ भी करा लो मैं कर लूंगा. सो एक हम चाह रहे थे कि वो एक माले की ऊंचाई पे चढ़े और बगैर कोई सेफ्टी के, और Vicky and you have done it, you know. Thank you sir. And Vicky, I just want to wish you all the very best and stay strong. And for me, it was a ferocious performance. Thank you, sir. Thank you. Sir. Thank you so much, Master. Grandmaster. आपने बहुत ही बखूबी से निभाया जो भी उन्होंने कहा है, एंड उसके लिए तो मैं तारीफ करूंगा ही करूंगा.
क्या बात, क्या बात। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर। जय भैया, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए ग्रैंड मास्टर। एक्चुअली एक क्लीनर जो है ना, मतलब जो लोग साफ सफाई करते हैं ना, ये मेरा पार्ट, मतलब मेरा लाइफ का एक पार्ट है। जब मैं स्कूल छोड़ दिया था, पापा ने मुझे बोले थे कि स्कूल मत छोड़ो, अगर तू स्कूल छोड़ेगा तो तुझे काम करना पड़ेगा। फिर भी मैं पापा को वही बोला कि नहीं, मुझे डांस करना है, अगर उसके लिए मुझे काम करना पड़े तो काम करूंगा, लेकिन बिकॉज मैं फेल किया था तो मेरा फ्रेंड्स लोग हाउसकीपिंग का काम करता था, तो मैं भी वो लोगों के साथ आराम से जाता था। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि अरे यार पापा के पास इतना अच्छा काम है तो वही कर सकता हूँ, हाउसकीपिंग क्यों करूंगा। हमेशा शोरूम में झाड़ू पोछा का काम किया, तो यही मतलब ये वाला एड उसके लिए ही था। एक बात बताओ, तुम्हें इतनी सभी सारी तुमने चीजें बताई, तुमने किया होगा क्लीनर का काम, बट फक्र महसूस करते हो कि किया है? हाँ सर। ना अपने आपको शर्मिंदा कहते हो? हाँ सर, फक्र महसूस करता हूँ कि मैं भी की, मतलब जो मेरा फ्रेंड्स लोग किया है वो मैं भी किया हूँ। जीना है तो जिस काम करोगे उसकी इज्जत करो। एकदम सर। ये जो जिसका हीरो बना हो ना, एक समय था टैक्सी के पीछे 10 रुपया दिन में स्टिकर लगाता था रिलीजिंग शॉर्टली, और एक दिन मेरी फोटो उधर लगी हुई थी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर, एंड थैंक यू सो मच विकी। रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वोट अपील हो जाए। अगर मेरा डांस आपको अच्छा लगा हो तो मुझे वोट करने के लिए आप डायल कीजिए टोल फ्री नंबर पर 1800-833-6005 पर। इसमें से 05 मेरा कोड है, तो प्लीज़ 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 मुझे वोट कीजिए। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच विकी, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस था। रुके हैं आपके नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए, अभी के लिए आप अपनी जगह पे जाकर बैठ सकते हैं। जोरदार ताला हो जाए।